डाउटनट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के क्वेश्चन मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कारपेंटर किसी हाउस की वॉल बनाता है, ठीक है, तो उसमें वो दो लेयर लगाता है। आउटर साइड में एक वुड की लेयर लगाता है जिसकी थिकनेस 2 सेंटीमीटर है, और इनर साइड में एक इंसुलेशन लगाता है जिसकी थिकनेस 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से होगा। मान लीजिए हमारी वॉल है, ठीक है, और इसका पार्टीशन है, इसने जो दो लेयर लगाई हैं, ठीक है। तो इसकी एक लेयर तो वुड की है, जैसे मान लो हम ये ऐसे मानते हैं वुड, ठीक है, डब्ल्यू इसे इंसुलेशन मानते हैं। तो इनके के की वैल्यू भी दी है, ठीक है, K1 K2, ठीक है, और इनके आउटर टेम्परेचर भी दिए हैं। जो इनर वाला टेम्परेचर है इंसुलेशन, जो आउटर टेम्परेचर है वो तो -10 है, इनर का है 19, ठीक है। और हमसे पूछा गया है कि जो यहाँ पे जो मिल रहे हैं ये दोनों वुड और इंसुलेशन मिल रहे हैं, इसका टेम्परेचर क्या होगा, यानी इस सरफेस का हम टी मान लेते हैं कुछ, हमें निकालना है। और फिर पूछा गया है हीट फ्लो पर स्क्वायर मीटर क्या होगा, ठीक है, तो हम देखते हैं हमें कैसे करना है। तो हम इसे मान सकते हैं कि हमारे दो स्लैब हैं वो सीरीज में जुड़े हुए हैं, ठीक है, इसका के बना लगे, इसका के बना लगे। तो सीरीज में जब जुड़े होते हैं तो क्या होता है, हमारा जो एच जाता है वो सेम होता है। यहाँ से जो एच बन जाएगा, यहाँ से मान लो एच टू जाएगा, इनकी वैल्यू सेम होगी। पूरे में से जो एच जाएगा वो भी सेम होगा, आपस में सब इक्वल होते हैं, हीट करंट हमारा सेम होता है सीरीज कम्बिनेशन में। तो हम इसी का यूज करेंगे, मान लो पहले हम इसका आर निकालेंगे R1, इसका आर निकालेंगे R2, फिर इन सबका यूज करके वैल्यू निकालेंगे। तो जो बेसिक चीज़ है वो हमारे पास क्या है कि H1 = H2, ठीक है, और H1 होता क्या है, ΔT/R1, ΔT1/R1 और ΔT2/R2। तो हम इन वैल्यूज रखते हैं, ठीक है। तो ΔT1 क्या होगा, ये टी माइनस -10, ठीक है। R1 क्या होगा, L जो विथ है इसकी, तो वुड की विथ 2 सेंटीमीटर है, तो हम 2 रखेंगे, 2 × 10^-2, ठीक है, अपॉन के ए। तो के क्या है इसका, वुड का 0.08, ठीक है। और एरिया कुछ होगा जो हमें दिया नहीं है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन पूछा है वो पर मीटर स्क्वायर पूछा है, ठीक है, तो कुछ मान लेंगे अभी। अब हम ΔT2 देखेंगे तो ये होगा 19 - t अपॉन, तो एल के भाई इसका एल दिया है हमें, इसकी विथनेस 3.5 दी है, तो 3.5 × 10^-2 अपॉन के, केस का दिया है 0.01 इंटू एरिया हमारा ए। तो हम इसे कैलकुलेट करते हैं, काफ़ी चीज़ कैंसिल हो जाएंगे, जैसे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये इससे 8 times हो जाएगा। तो हम देखते हैं अपना, तो ये A2 पर आ गया, T+10, ठीक है, नीचे 2 बचा, ये इज इक्वल टू, ये सब खत्म हो गया, 19 - t/3.5, ठीक है। जब हम यहाँ से निकालेंगे, इसके इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसके इधर 3.5 × 4 यानी 14, T+10 इज इक्वल टू 19 - t, ठीक है। तो यहाँ से t की वैल्यू आती है 8.06°C- तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, रेट ऑफ हीट फ्लो पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तुम इसमें से किसी की एक की वैल्यू निकाल दें, H1 या H2। तो मान लो हम H1 की वैल्यू निकालते हैं, तो H1 क्या था, ΔT1/R, और ΔT1 क्या था, T - -10, ठीक है। तो T की वैल्यू हमें पता है -8.06, तो माइनस का -10 अपॉन आर, आर की वैल्यू क्या थी, 2 × 10^-2 अपॉन 0.08, तो 2 × 10^-2 अपॉन 0.08। यदि हम लेंगे नहीं क्योंकि पर मीटर स्क्वायर पूछे, तो इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं क्या आती है, इसका आंसर आता है 7.7 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया।